बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसानों के अलावा और भी बहुत सारी महलूकात तहलीक की हैं जिनको गैर ज़व्वियुल अक़ौल कहा जाता है। अगर इंसान अल्लाह ताला की इन तहलीक शुदा महलूक का मुतालिया करे तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है और वह जिसे चाहे जिस तरह चाहे बना सकता है। आज की वीडियो भी अल्लाह ताला की एक ऐसी ही महलूक हशरात के बारे में है। सऊदी अरब के शहर दमाम से तल्लक रखने वाले एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका नाम वसाली फवाज़ है, इसने 3 साल के लंबे अरसे तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर 400 से ज़्यादा अकसाम के नायाब हशरात की तस्वीर बनाई है। सऊदी फ़ोटोग्राफ़र ने बताया कि फ़ोटोग्राफ़ी मेरा इश्क है और इन हशरात की तस्वीर खींचने के लिए मैंने माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मैं ममलकत के जनूबी, मशरकी और मगरबी इलाकों में घूमता रहा ताकि नायाब तरीन नवयत के हशरात को तलाश कर सकूं। ये हशरात ज़्यादातर वादियों, पौधों, गैर आबाद मकामात, फूलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। फवाज ने मज़ीद बताया कि इस महलूकात की तस्वीर कशी बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आला दर्जे की महारत दरकरार है और बेहतरीन नतायज हासिल करने के लिए एक तस्वीर को कई बार लेना पड़ता है। अगरचा इस खूबसूरत महलूक की तस्वीरें हासिल करने के लिए मुझे तवील मराहिल से गुजरना पड़ा, मगर मैं नतायज से बेहद लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। इसमें एक नवयत के कीड़े को पकड़ने के लिए कम से कम 3 घंटे तक लग जाते हैं, फिर बेहतरीन तस्वीर हासिल करने में अलग टाइम। वाज़ेह रहे कि माइक्रो फोटोग्राफी बारीक अजसाम की करीब से तस्वीर कशी को कहते हैं और माइक्रो फोटोग्राफी में बारीक और छोटे अजसाम की तफसीलात को वाज़ेह तौर पर नमायाँ करना होता है और यह दुश्वार तरीन फ़ोटोग्राफ़ी है जिसमें सब्र और कुव्वत इरादे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये हशरात आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।